तो क्रिकेट दुनिया में जो इस टाइम प्रिजर्व्ड नजर आ रही है, चाहे फास्ट बॉलिंग का टैलेंट देखें, चाहे स्पिन बॉलिंग का टैलेंट देखें, ऑफ स्पिनर देखें, लेफ्ट आर्म स्पिनर देखें, लेग स्पिनर देखें, चाइना मैन देखें, सब कुछ टॉप क्लास इनके पास है। कितने दुनिया में विकेट कीपर बैट्समैन एक टीम में, किसी एक टीम में कितने अच्छे हैं, अगर गिनने लग जाए उंगलियों पर तो आपको पता चलेगा के एल राहुल भी हैं, आपको पता चलेगा पंट भी हैं। इश्यूज आ रहे थे, इश्यूज हुए थे, लेकिन क्योंकि बड़े तगड़े थे, उन्होंने तगड़े डिसीजंस लिए, उन्होंने मैनेज किए चीजें, उन्हें आती हैं मैनेज करना। जब आप प्रोफेशनल तरीके से लेके चलते हैं ना, और आप अपने डोमेन में रह के अपने काम पे फोकस करते हैं बनिस्बत दूसरे के काम में, तो चीजें सब होती हैं। इंडिया ने फुल डोमिनेशन दिखाई है, उन्होंने बताया कि हमें हमारे घर पे हराना कोई ऐसी कोई आसान बात नहीं है। कोई 11 साल में कोई टीम ऐसी पैदा नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर कितनी बार आ चुकी है, इंग्लैंड यहाँ पे कितनी बार आ चुकी है, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज यहाँ कितनी बार आ चुकी है, श्रीलंका यहाँ पे कितनी बार आ चुकी है, हमें हरा नहीं सकी। तो बांग्लादेश को तो खैर वो वैसे ही कोई खास इतना अहमियत नहीं। और बड़ी पक्की टीम है हिंदुस्तान की, और पूरी बॉलर्स पूरे हैं, बैट्समैन पूरे हैं, उनके बॉलिंग ऑलराउंडर्स पूरे हैं, बहुत ही कमाल की टीम है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की परफॉर्मेंस दी इंडिया ने, आउट क्लास कर दिया बैटिंग में, आउट क्लास कर दिया बॉलिंग में। स्क्वाड वो होना चाहिए जैसे इंडिया, दे हैव द स्किल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे हैव द क्या उसे कहते हैं, एक्सिक्यूशन, हाउ टू यू नो अपने प्लान्स को हमने आगे करना कैसे है, यू नो क्या जबरदस्त, कोई कुछ नहीं, विकेटें भी गिरी हैं, दे लुक्ड स्मूथ, दे लुक्ड काम, दे लुक्ड इन कंट्रोल, एंड दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर इंडियन टीम एंड इंडियन क्रिकेट। पाकिस्तान में क्या होता है कि इनिशियल ग्रोथ के बाद एक तरह से प्लेटो हो जाता है, और उसके बाद फिर ढलवान पे चली जाती है आपकी क्रिकेट या आपकी परफॉर्मेंस। बहुत सारी हमारे यहाँ ये एग्जांपल्स हैं, फास्ट बॉलर्स ले लें या बल्लेबाज ले लें, मगर भारत की जो एक ग्रेट सक्सेस की एक स्टोरी है वो यही है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो शुरू जब अपना करियर करते हैं तो सीख रहे होते हैं, सो एक लर्निंग कर्व पे जाते हैं, और उसके बाद उठान पकड़ते हैं, और उठान जो है वो बहुत देर तक वहाँ रहती है। तो फास्ट बॉलिंग अगर आप देखें कि बुमराह अक्सर कोई सीरीज मिस कर देते हैं, हल्की सीरीज वो खेलते ही नहीं है, इंपॉर्टेंट मैचेस गुजर जाएं तो वो मैचेस में भी रेस्ट कर लेते हैं, एंड स्टिल द क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलिंग रिमेन्स दैट गुड इनफ टू विन देम अ गेम। वी विल नॉट से कि वो इक्विवेलेंट टू बुमराह होता है, लेकिन इट इज गुड इनफ टू ब्रिंग अ रिजल्ट। जब हर महीने के बाद भारत हमसे 12 महीने आगे निकलता है, because of the skill work, because unki cricket ki game awareness, because of the talent unke paas jo hai dugout mein hai ya benches pe baitha hua hai, wo har ek mahine ke baad humse 6 mahine aage nikalte hain, aur hum us waqt afsos khate hain jab hum haar jate hain। Jo unki domestic cricket aur pathway cricket karane ka tarika hai wo nahi badalta, wo well thought out hai, well planned hai, aur wo usi tarah rehta hai, aur wahi unko results de। Ye confident nahi hai, self belief nahi hai, magar zameen aasman ka fark pad gaya hai, aur itni jaldi इतनी ज्यादा स्किल्स के ऊपर और कॉन्फिडेंस के ऊपर भरोसा करते हुए मैंने बहुत कम प्लेयर्स को देखा है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ भारतीय टीम है जो कि WTC के फाइनल में पहुंच चुकी है, टॉप पर है, उनके प्लेयर्स बुमराह टॉप पर है, उनके स्पिनर अश्विन टॉप पर है, तो भारतीय टीम इस वक्त तीनों फॉर्मेट्स पर राज कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज करना है, जहाँ पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर इंग्लैंड को हराना इतना आसान नहीं होगा। तो चलिए पहले आपको पाकिस्तानी मीडिया का एक कंप्लीट रिएक्शन दिखाते हैं। तो क्रिकेट दुनिया में जो इस टाइम प्रिजर्व्ड नजर आ रही है, चाहे फास्ट बॉलिंग का टैलेंट देखें, चाहे स्पिन बॉलिंग का टैलेंट देखें, ऑफ स्पिनर देखें, लेफ्ट आर्म स्पिनर देखें, लेग स्पिनर देखें, चाइना मैन देखें, सब कुछ टॉप क्लास इनके पास है। कितने दुनिया में विकेट कीपर बैट्समैन एक टीम में, किसी एक टीम में कितने अच्छे हैं, अगर गिनने लग जाए उंगलियों पर तो आपको पता चलेगा के एल राहुल भी हैं, आपको पता चलेगा पंट भी हैं, आपको पता लगेगा संजू सैमसन है, क्या जो अभी खेले थे ईशान किशन है, जो अभी टेस्ट मैच में खेले थे जुरेल है, और भी बेशुमार नाम है ऐसे जिनके 5 तो है, लेकिन 4-5 ही मेरे ख्याल और भी हैं। तो फास्ट बॉलिंग अगर आप देखें कि बुमराह अक्सर कोई सीरीज मिस कर देते हैं, हल्की सीरीज वो खेलते ही नहीं है, इंपॉर्टेंट मैचेस गुजर जाएं तो वो मैचेस में भी रेस्ट कर लेते हैं, एंड स्टिल
the quality of fast bowling remains that good enough to win them a game. We will not say ke wo equivalent to Bumrah hota hai, lekin it is good enough to bring a result. ठीक है, स्पेशली अगेंस्ट टीम्स जो के नॉट ऑस्ट्रेलिया और नॉट इंग्लैंड. सो ये बड़ी अचीवमेंट है, और इस अचीवमेंट का जो कह लें कि सेहरा है वो कंसिस्टेंट पॉलिसीज पे जाता है. कंसिस्टेंटली जो चीज़ें तय हो गई हैं, आने जाने वाले बंदे उधर भी हैं, हमारे ज़रा फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा आने जाने की, उधर भी दो दो तीन तीन साल बाद चेंजेस आते हैं, लेकिन पॉलिसीज नहीं बदलती, क्रिकेट खेलने का तर्ज नहीं बदलता, जो उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट और पाथवे क्रिकेट कराने का तरीका है वो नहीं बदलता. वो वेल थॉट आउट है, वेल प्लान्ड है, और वो उसी तरह रहता है, और वही उनको रिजल्ट्स दे रहा है. एक और क्रेडिट, क्या हम मानते हैं इस बात को कि क्रेडिट ये भी जाता है क्योंकि जिस तरीके से विराट की कैप्टनसी गई और उसके बाद टीम के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते थे, लेकिन जिस तरीके से विराट को साथ लेकर चला रोहित, नए लड़कों को सीनियर्स को साथ लेकर चला, और वो कैप्टनसी की लड़ाई नहीं छिड़ने दी, वो जंग नहीं छिड़ने दी, टीम का माहौल बड़ा जबरदस्त नजर आता है, जाहिर कि सब लोग एक मकसद के लिए खेल रहे हैं. इश्यूज आ रहे थे, इश्यूज हुए थे, लेकिन क्योंकि बड़े तगड़े थे, उन्होंने तगड़े डिसीजंस लिए, उन्होंने मैनेज किए चीजें, उन्हें आती हैं मैनेज करना. जब आप प्रोफेशनल तरीके से लेके चलते हैं ना, और आप अपने डोमेन में रह के अपने काम पे फोकस करते हैं बनिस्बत दूसरे के काम में, तो चीजें सब होती हैं. आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसको पूरी अथॉरिटी भी देते हैं, ठीक है ना. हमारे यहाँ ऐसा चक्कर नहीं है, हमें अपना काम के बजाय दूसरे का काम नजर आ रहा होता, हमारी प्रॉब्लम ये है, हम अपने काम के जवाब दे के बजाय दूसरे के कामों के अंदर हम दखल अंदाजी करना शुरू कर देते हैं. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार. आपको जो काम दिया आप उसी डोमेन में रह के करो ना आप सारे काम. हमें दूसरों के कामों का इशू क्यों है? हम अपने काम के जवाब दे क्यों नहीं है? और होना चाहिए हमें अपने काम के जवाब देना. इट्स ऑल अबाउट सीनियर मैनेजमेंट. उन्होंने काफी जबरदस्त तरीके से चीजों को लेके चले. वो बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं जी इन मामलों में. ऐसा तो नहीं होगा कि दिल में जो आ जाती है रिफ्ट तो हो जाती है. ऐसा नहीं होगा कि नहीं जी अब जो है शायद रोहित या विराट बहुत बडीज हो गए होंगे या कुछ हो गए होंगे, कहीं होगा एक ना एक. मगर वही जिस तरह उसको मैनेज किया गया, यूसुफ शायद बड़ों का काम इतना इंपॉर्टेंट था, जिस तरह मैं सौरभ गांगुली की भी पहले भी इस शो में एग्जाम्पल दी थी, बीसीसीआई के साथ उनका वो नहीं किया, रिन्यू नहीं किया उनका, जिस तरह अग्रीमेंट जो भी था वो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया, रॉजर बिनी आ गए, रवि शास्त्री का इशू हो गया था विराट कोहली के साथ, वो मतलब वो उन इशूज को उस तरह, वो कहते हैं ना आग नहीं लगी उन इशूज पे, मीडिया में आके कोई बैठा नहीं, उन्होंने एक दूसरे को बुरा भला कहा नहीं. हमने एम एस धोनी और युवराज का हमेशा से पता है कि कॉन्फ्लिक्ट रहता था, बट कभी भी किसी ने आके एक दूसरे को ऑन मीडिया बैश नहीं किया. अच्छा, इसमें आप देखें कि अभी जितने भी नाम लिए ना सब प्लेयर है. हाँ. कोई हल्का प्लेयर इसमें आपको नजर नहीं आएगा. किसी हल्के प्लेयर ने भी बैश नहीं किया. वही कह, हल्का तो था ही ना कोई जिसको ऊपर लाए. इंडिया में कोई हल्का था ही नहीं, ऊपर कोई नहीं आया ऐसा. मुझे बताएं कौन आया, कोई एक नाम बताएं. अब मैं सोचूंगी इसको. हाँ सोच ले. आप सोच रही है कि मैं नहीं, नहीं, आप जवाब दीजिए. मैं सोच रही हूं. सोचना शुरू हो गया. ऐसा कोई प्लेयर मैंने नहीं अभी तक देखा जो हल्का प्लेयर ऊपर आया हो. एक तो ये मैं जो बार बार 2007 की बात करता हूँ, वो फिर सबको शौक शुरू हो जाता है कि मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ. देखिए इंजमाम भाई जब गए, जब तक वो रहे हैं ना बहुत अच्छा सिस्टम चलता रहा, कोई मसला नहीं हुआ. जैसे ही वो गए हैं ना ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, क्योंकि सबके चांस बनना शुरू हुआ, मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ. हो सकता है उनके इंडिया की मैनेजमेंट ने ऊपर वालों ने अच्छा उनको संभाला हो, लेकिन अगर रोहित शर्मा की आप बात सुने, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कोहली से स्कोर नहीं हो रहा था तो वो सवाल करते थे जी कितना चांस देना, और तो वो कहते उसके बारे में पूछ रहे हो, वो इस तरह का जवाब देता था. अच्छा, कोहली के बारे में ये बात कर रहे हैं, या मैं अक्सर सुनी उसकी बात, तो वो उसको पता था रोहित शर्मा को खुद बहुत बड़ा प्लेयर था, बिल्कुल उसको पता था कि कोहली क्या चीज़ है. तो ठीक है, डिसीजन तो बड़ों ने ले लिया, अगर उसको कप्तानी से उन्होंने हटाया है तो रोहित को जिसने बनाया वो बड़ों का डिसीजन था. इंडिया ने फुल डोमिनेशन दिखाई है. उन्होंने बताया कि हमें हमारे घर पे हराना कोई ऐसी कोई आसान बात नहीं है. कोई 11 साल में कोई टीम ऐसी पैदा नहीं हुई. ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर कितनी बार आ चुकी है, इंग्लैंड यहाँ पे कितनी बार आ चुकी है, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज यहाँ कितनी बार आ चुकी हैं, श्रीलंका यहाँ पे कितनी बार आ चुकी हैं, हमें हरा नहीं सकी. तो बांग्लादेश को तो खैर वो वैसे ही कोई खास इतना अहमियत नहीं देते. जी हाँ फ्रेंड्स, पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड 7 अक्टूबर से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में. बेन स्टोक्स के क्यादत में इंग्लिश टीम पाकिस्तान में मौजूद है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम शान मसूद के क्यादत में फिटनेस टेस्ट में बुरी तरह से नाकाम हो चुका है. जिस स्क्वाड का ऐलान किया गया है उसमें से 8 प्लेयर्स फिटनेस टेस्ट को पास करने में कामयाब न हो सके. कुछ प्लेयर्स तो दूसरे अटैम्प्ट में भी जो फिटनेस टेस्ट था उसको पास करने में कामयाब न हो
सके मोहम्मद रिजवान जिसे पाकिस्तान का सबसे फिट प्लेयर करार दिया जाता है वो भी फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए। 80% का जो हद रखा गया था कोई भी इसे अचीव नहीं कर सका। तो पाकिस्तानी टीम जो कि जिसकी फिटनेस ही नहीं है, जिस तरह हम देखते हैं विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, भारत के कुछ जो सीनियर क्रिकेटर हैं उनकी फिटनेस को जब देखा जाए